आज की बड़ी खबर लोहाघाट के भारतोली से सामने आ रही है, जहां लगभग 2 बजे के समीप टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर ईंट ले जा रहा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े हुए मलबे की चपेट में आ गया, जिससे वह पलट गया, जिस कारण NH बंद हो गया। इसके बाद कई वाहन यात्री NH पर फंसे रहे। जानकारी के अनुसार वाहन चालक को मामूली चोटें आई हैं। डंपर के पलटने का कारण सड़क किनारे पड़े हुए मलबे को बताया जा रहा है। इसके बाद लोगों ने अधिकारियों से सड़क किनारे पड़े मलबे को हटाने की मांग की है और SDM रिंकू बिष्ट ने मलबे को हटाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।